चीन एक बार फिर भारत से नाराज हो गया है। भारत अपने वीरों के किए गए कामों से गदगद है। अरुणाचल प्रदेश में एक अज्ञात 20,942 फुट ऊंची चोटी पर भारतीय पर्वतारोहियों ने चढ़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल भारतीय पर्वतारोहियों ने जिस चोटी पर पहली बार चढ़ाई की और ऊपर जाकर तिरंगा लहराया है, उस चोटी को चीन अपना मानता है। चोटी ही क्या, पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसको लेकर आए दिन विवाद भी होता रहता है। जब भारत के वीर इस अनाम चोटी पर पहुंचे तो उसका नाम भी रख दिया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान यानी NIMS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फीट अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद इस चोटी का नाम छठे दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया, जिनका जन्म 1682 में मौन त्वांग क्षेत्र में हुआ था। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखना उनकी बुद्धिमत्ता और उनके योगदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है।